स्वागत मान साहब चौपाल में जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 टीम का पूरा। हमने सुना कि बचपन में आप जो ट्रॉफी जीतते थे वो दूसरों को दे देते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। असल में क्या है कि हमारे कल्चर में, क्योंकि पिताजी मेरे साइंस टीचर थे, वो ऑब्वियसली हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा भी पढ़ाई में आगे बढ़े। लेकिन मैं थोड़ा जब कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, उनको ऐसा लगता था जैसे मैं पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटा रहा हूँ और ये कल्चर प्रोग्राम्स की तरफ जा रहा हूँ, स्टेज की तरफ। तो उन्होंने मेरा स्टेज पर जाना बंद कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जाओगे, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के बाद देखते हैं। तो लेकिन मैं फिर चोरी चोरी जाने लगा। तो उस समय जब मैं जीत जाता था, नंबर वन आता था मैं, ट्रॉफी मिल जाती थी मुझे। अब उस ट्रॉफी का पंगा ये होता था, मुझे जीतने की खुशी इतनी नहीं होती थी जितनी उस ट्रॉफी को टिकाने लगाने की होती थी, कि अब अगर घर पे लेके गए तो पिटाई होगी। सीधा सा बात है कि पिताजी कहेंगे कहीं ना कहीं से जीत के लाया है, इसका मतलब तू अभी भी स्टेज पे जा रहा है। तो बस में जब मैं आ रहा था, कई बार होता था तो एक लड़के ने कहा, किसी एक बंदे ने, यार बड़ी अच्छी ट्रॉफी है, कहाँ से जीती है? मैंने वो गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से जीती थी। मैंने कहा तुम रख लो भाई साहब, तुम ले जाओ। ऐसी मेरी कई ट्रॉफियां बहुत से घरों में पड़ी हैं, जीती मैंने हैं, लेकिन उनकी ड्राइंग रूम का श्रृंगार है। तो लेकिन उससे मेरा जुनून कम नहीं हुआ। ट्रॉफी कोई भी ले जाए, खेल में जैसे कहते हैं कि वर्ल्ड कप कोई भी जीत जाए, टीम कोई भी जीत हार जाए, लेकिन गेम नहीं हारनी चाहिए। क्रिकेट की गेम, हॉकी की गेम, गेम नहीं हारनी चाहिए। तो मैं, जुनून था मुझे काम करने का। वो ही उम्र होती है, 16-17 साल की उम्र थी, प्लस टू में पढ़ते थे। तो वो वाला सवाल जो आपने पहले कर लिया, ये था वो मैंने इसलिए किया क्योंकि अब भी आपसे कहा जा रहा है कि ट्रॉफी किसी और को देनी है। मतलब अब लोकसभा चुनाव, 2 साल आपके सरकार के खत्म हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव का टेस्ट आ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो सरकार बनानी नहीं है, गठबंधन की बात हो रही है, ट्रॉफी तो किसी और को देनी है, लेकिन जीतना आपने। देखो जब देश की बात आती है तो मेरे ख्याल में फिर हम नंबर वन नंबर टू की दौड़ छोड़कर, जब संविधान को बचाने की बात आए, फिर मेरे ख्याल में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पोडियम पे कौन खड़ा होगा। पोडियम पे जो मर्जी खड़ा हो, लेकिन देश का तिरंगा ऊपर जा रहा हो, ये मेरा जो मानना है। तो देश की जब बात आती है, उसके लिए अगर देश ही ना रहा, अगर संविधान ही ना रहा, क्या करनी है पार्टियां? फिर हमने कहां जाएंगे? फिर हम अगर चुनावी होने बंद हो गए, अगर ये बोल दिया गया, ऊपर से हुक्म आ गया, फरमान आ गया कि बस इलेक्शन बंद, तो क्या करनी है हमने पार्टियां, क्या करनी है ट्रॉफियां? तो देश को बचाने के लिए हम हाजिर हैं। भगत सिंह ने, मैं जिस धरती से आता हूं, भगत सिंह की धरती है, भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो वतन की सरजमी के लिए कुछ भी अगर नौशावर करना पड़े, कर देना। आपसे, आपने खुद सुना अभी पीयूष गोयल साहब कह कर गए हैं कि वापस तो वही आ रहे हैं सरकार में, जीत के तो वही आएंगे, कॉन्फिडेंस तो उन्हीं को है। सर सभी बोलते हैं ऐसे तो, दिल्ली में भी बोलते थे इस बार इतनी पार, जब दिल्ली में चुनाव हुआ भी, 15 में भी, 20 में भी, 20 में ही बोला इस बार इतनी पार, लेकिन दिल्ली में क्या है, इस बार सिर्फ जमुना पार। तो मतलब इनके कहने से थोड़ी होता है, इनके कहने से थोड़ी होता है कि जी हम ये करेंगे, हम ये जीतेंगे। जिताना तो जनता जनार्दन है। हाँ, अगर इनको पता है चंडीगढ़ के मेयर की तरह कि इतनी वोट हमारी है, इतनी उनकी है, उनके वाली भी हमारी है, फिर कुछ भी हो सकता है। यानी आपको, आपको पूरी उम्मीद है कि जनता आपके गठबंधन को साथ देगी, वो गठबंधन जो कहीं दिख ही नहीं रहा, बंधन ही नहीं हो रहा। देखिए हमारा काम है इकट्ठे मिलकर चलना, हमारी 10 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन 10 साल में हम नेशनल पार्टी बन चुके हैं। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, हमारे 11 MP हैं, 10 राज्यसभा में, 1 लोकसभा में, हमारे 5 MLA गुजरात में है, 14% मत है, हमारे 2 MLA गोवा में हैं, और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। अरविंद जी ने जब रामलीला ग्राउंड से काफिला शुरू किया था तो आज इतना करोड़ों का बन चुका है कि 10 साल में नेशनल पार्टी बन गए हम। तो गठबंधन दो, जो हमसे सीनियर पार्टी हैं, हम उनको भी कह रहे हैं कि भाई हमसे जो चाहिए होगा, हमसे जो सरेगा, जितने
हमारे पास जितना जितनी ताकत है हम तो देश के लिए झोंक देंगे। और पंजाब में जैसा पंजाब में देखा गया कि अभी 22 महीने हुए सरकार बने हुए, 117 में से 92 सीटें आई हैं, और जो भाई साहब यहां से उठ के गए हैं माननीय पीयूष गोयल जी, उनकी कितनी सीटें हैं वहां? 2 विधायक हैं, स्कूटर पर भी आ सकते हैं विधानसभा में। मतलब ऐसे ऐसे हर रोज किसी को मजाक नहीं करना चाहिए कि हम इनको भी हरा देंगे, हम आ रहे हैं, हम 400 पार हैं। थोड़ा इधर भी आइए फिर पंजाब में, कितने पार हो। तो ये जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं जी, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और वहां जाके हंकार करे, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो ये जनता है, पब्लिक है, क्या पता कब मूड बन जाए, क्या पता लाइन में लगे लगे मूड चेंज हो जाए, इलेक्शन की लाइन में लगे लोगों का भी मूड चेंज हो जाता है। तो पब्लिक है, लोकतंत्र है, लेकिन वोट तो डलवाइए और वोट सही तो डलवाइए, और डलवा लिए तो गिन तो सही लीजिए, जो भी हार गया गिन तो सही लीजिए भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के लोकतंत्र किसी ने कब्जा कर लिया या कोई, लोकतंत्र को बचाना है। और हाँ, लोकतंत्र में हार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्टियां आती जाती रहती हैं। देखिए बीजेपी जो है वो 1958 में जनसंघ बना था, 26 साल बाद 84 में 2 सीट आई थी पार्लियामेंट की। कांग्रेस 1885 में बनी थी, 1930 में पहला काउंसलर जीता था, काउंसलर 45 साल बाद। आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, हमारे पास इतना जन आधार है कि हमें अच्छा लगा। जिसको आज आप सबसे सीनियर पार्टी कह रहे हैं, आप ही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि एक थी कांग्रेस, अगर आप ही इस तरह से अपने पार्टनर के बारे में ऐसे बात करेंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि आप उनको जितवाना भी चाहते हैं या नहीं? नहीं देखिए, हम कांग्रेस की बात थोड़ी करें, गठबंधन का मतलब कांग्रेस थोड़ी है। गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है। किस तरीके से बड़ी है? अभी अभी के अगर अभी के आंकड़े ले लीजिए, 1885 में पैदा हुई है तो बड़ी है, अदरवाइज तो नेशनल पार्टी 10, हमारे पास भी 2 स्टेट है। हम गठबंधन को कांग्रेस नहीं कह रहे, हम गठबंधन सबका कह रहे हैं, मुट्ठी है। इसमें एक उंगली को कैसे कह दोगे ये इसकी मालकिन है या ये इसकी मालकिन है या ये इसकी मालकिन है ये इसकी मालकिन है, मुट्ठी है पूरी। अगर मुट्ठी बनेगी तो ही है। अभी तो उनके यहाँ लड़ाई चल रही है पंजाब में, नवजोत सिद्धू और बाजवा साहब जो हैं LOP हैं पंजाब में, उन्होंने कहा सिद्धू के बारे में कि अगर अंगूठे में गैंग्रीन फैल जाए तो उसको काट देना चाहिए। तो मैंने कहा इसका मतलब ये तो बता दो, इस बार लोग पंजे को वोट डालें या 4 उंगलियों को वोट डालोगे? मतलब आपस की लड़ाइयां बाद में लड़ लेंगे, आपस के मतभेद होंगे बाद में कर लेंगे, एक बार देश तो बचाएं। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। 3 आदमी अपने घर से बाहर निकले गांव में 4:30 बजे 5 बजे खेत जाने के लिए, अचानक से बहुत जोर की आंधी आई, तीनों को हवा ने उठा के कुएं में फेंक दिया। अब जब दिन हुआ, थोड़ा रोशनी आई, तो तीनों ने एक दूसरे को देखा, वो तीनों एक दूसरे से बोलते नहीं थे, लड़ाई हुई हुई थी उनकी गांव में, एक दूसरे से बोलचाल बंद थी, कुएं में भी नहीं बोले, ऐसे अपने अपने अकड़ में रहे कि मेरे घर वाले आएंगे मुझे निकाल लेंगे, ये दोनों रह जाएंगे। कोई नहीं आया, कोई पता नहीं चला। जब दोपहर हुई, जब शाम आने को हुई, जब रात आगे उनको दिखने लगी, तब एक बंदे ने कहा कि ठीक है हम तीनों आपस में नहीं बोलते, एक बार शोर शराबा करके कुएं से तो बाहर निकल गए, बाहर जाके फिर नहीं बोलेंगे यार। तो एक बार भाई साहब मिलके देश को तो बचा लें, संविधान को तो बचा लें, बाहर जाके उसके बाद निपट लेंगे, कौन सी आपकी छोटी मोटी कोई मतभेद है, होते जाते हैं। नहीं तो पब्लिक क्यों माने, बोलेंगे ये तो कुएं से निकल के फिर नहीं बोलेंगे आपस में, तो फिर क्यों इनको कुएं से निकालना है? पता क्या है, पता क्या है? आप जो पूछ रहे हैं ना, आपकी वो हालत है। एक आदमी ने पूछा, कहता अगर तेरे पीछे शेर हो, तेरे सामने शेर आ जाए क्या करेगा? वो कहता जी मैं गोली मार दूंगा। कहता तेरे पास बंदूक ना हो? कहता जी मैं उसको चाकू से मार दूंगा। कहता अगर चाकू भी ना हो? कहता मैं उस अपनी जेब से लाल मिर्ची निकाल के उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो? कहता जी मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर तेरे पीछे पीछे पेड़ पे चढ़ जाए, फिर उसने पूछा जैसे मैं पूछ रहा हूं आपको कि भाई साहब आप किसकी तरफ हो, शेर की तरफ हो मेरी तरफ हो? सुनिए आप बता दो, हाँ अगर तो शेर की तरफ हो तो मरवाओगे मुझे। हाँ। बस
आप किसकी, तो देश की तरफ हो या उनकी तरफ हो? नहीं, आप बताइए कि देश देश किस तरफ है, ये सर्टिफिकेट ना आप दे सकते हैं ना वो दे सकते हैं, देश अपना जनता देगी, जनता देगी। ये बताइए, जनता के पास आप गए थे पंजाब में, आपको अच्छा बहुमत मिला, 92 सीट 117 में, 2 साल होने को आए हैं। आपने एक बात कही थी कि ये जो माइनिंग है और ये जो शराब से एक्साइज वगैरह आती है, इससे 40,000 करोड़ रुपए वेस्ट हो रहे हैं, वो आ गए, आपने बचा लिए वो? हाँ देखिए, 75 साल पुराना सिस्टम हमको मिला है, 3,00,000 करोड़ कर्जा मिला, और हमने सबसे पहले लीकेज बंद की। एक्साइज में हम पहली बार, इस बार बजट आने वाला है, बस आने वाले दिनों में हम 9,000 से ज्यादा टच करने वाले हैं, पहले कभी भी 2-3 हजार से ज्यादा, क्योंकि उन्हीं के पास रहते थे सारे ठेके नेताओं के पास। और माइनिंग हमने इतनी पारदर्शिता से जो उनकी उनकी माइनिंग के ठेके दिए हैं कि उनको कहा है कि अपने कैमरे लेके आइए आप। पहले टेंडर किसी और का होता था, निकलता किसी और का था, और टेंडर क्योंकि माइनिंग में NGT है, माइनिंग में हाई कोर्ट भी है, तो पाबंदियां लगती रहती हैं। लेकिन जब से 16 मार्च 2022 से हमने ओथ लिया है, अभी 2 साल में अगर हम 2 साल का बजट पेश करेंगे तो सब कुछ ग्रीन में है। एक्साइज में हम ग्रीन में हैं, हम जो है माइनिंग में ग्रीन में हैं, हम स्टैंप पेपर्स में या स्टैंप ड्यूटी में ग्रीन में हैं, हम 2 साल में प्रॉफिट में हैं। लेकिन हमारे लेगेसी जो है, जो हमारे पहले देता थे, वो उनका उनके बजट में जाकर डालते हैं हम, तो वो घाटे का बजट हो जाता है। लेकिन हम लगे हुए हैं इस 75 साल पुराने सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमने 22 महीने में 40,000 सरकारी नौकरियां दे दी, एक प्राइवेट थर्मल प्लांट 540 मेगावाट का सरकार ने खरीदा है, पहली बार हुआ है, वरना सरकार आती है सरकारी संस्थाओं को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों को बेच देती है। हमने प्राइवेट सेक्टर को खरीदा है, और हमने जो पंजाब में बिजली फ्री है, 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है, इसमें कोई पीला कार्ड या हरा कार्ड नहीं, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट दो महीने का साइकिल है। तो अगर हमारे पास बिजली भी है और बिजली बोर्ड के पास पैसा भी है, हमारे पास कोल है, अब 5 थर्मल प्लांट है, 3 हमारे हैं, और हमें सस्ती पड़ रही है, इंडस्ट्री को सस्ती देंगे, 70,000 करोड़ का निवेश आ गया, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो आ रहे हैं, अब लोगों का विश्वास बन रहा है। पहले क्या होता था, पंजाब में इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, एक परिवार के साथ MOU होता था, अब 3.5 करोड़ लोगों के पंजाब के साथ MOU होता है, ये फर्क आ गया। तो आपने जैसे कहा ना 3,00,000 करोड़ था कर्जा, अब कितना हो गया? अभी उसका ब्याज भी होता है, अब हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए हैं, करना तो ठीक पड़ेगा ना, उसको भी धीरे धीरे हम काम करेंगे। आप तो और कर्जा ले रहे हो ना? नहीं, पता क्या है, बहुत सी अभी हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, 1 रुपए का भी कोई घोटाले की खबर आई हो पंजाब में, या कोई किसी मंत्री ने, जब मेरे नाम पे कोई लग गया हो कुछ ऐसा, नो। पता क्या है, अब आप शू के लेसेस हैं, अगर 3 दिन शू के लेसेस की गांठ जो है वो आप नहीं खोलोगे, तो 3रे दिन चाकू से या कोई और निकोली चीज से उसको खोलना पड़ता है, वो गांठ जम जाती है। अब 75 साल पुरानी गांठ मिली है भाई साहब, धीरे धीरे खोलेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। तो देखो आप न्यूज़ 18 में आप बड़े पद पर हैं, लेकिन पहले दिन तो इस कुर्सी पे नहीं बैठे थे ना, धीरे धीरे मेहनत करके वहां स्टिंगर से आके नीचे से नीचे फिर स्टूडियो पहुंचे, स्टूडियो में डिबेट्स में हिस्सा लिया, तो धीरे धीरे होता है। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता है कि हम पंजाब के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि अब NRIs को भी विश्वास हो गया कि हम पंजाब में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी बसते हैं, पूरी दुनिया में, हम तो जिस देश में गलती से भी चले जाएं वहां भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन पता क्या है, उनको विश्वास नहीं था पहले कि क्यों जाएं पंजाब, पता नहीं क्या माहौल मिलेगा, बेइज्जतियां होंगी, खज्जल खुआरियां होंगी। हमने 1076 नंबर डोर स्टेप डिलीवरी का, हमने जितनी हमने आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज हमने यूज किए हैं, पुलिस में भर्ती हो रही है, पंजाब में हर 3रे-4थे दिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। मैं पंजाब को पंजाब बनाना चाहता हूं, मुझे लंदन, कैलिफोर्निया, पेरिस नहीं बनाना, मेरा पंजाब मेरे पास वापस आ। तो फिर अभी भी क्यों जा रहे हैं लोग और पहले तो दुआबा से गांव के लोग जाते थे, अब तो शहरों के लोग ज्यादा जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई है। नहीं, पर आपके मंत्री जी ने कहा पिछले साल की वो आइल्स जो है वो हम उसी कोर्स में डाल देंगे पंजाब के। नहीं नहीं, ऐसा है, अभी अभी हमारे जो बच्चे हैं ना, क्योंकि सिस्टम ने दुखी कर दिया था, पहले भी सिस्टम से दुखी होकर गए थे कि
चलो यार निकलते हैं, हमारे रिवाज है समझ लो। आपके दिल्ली में या मैं मध्य प्रदेश जाता हूँ, कोई ऐसा आईलेट्स का या ट्रेवल एजेंट का कोई बोर्ड ज्यादा नहीं मिलता। हमारे यहाँ क्योंकि पहले से गए हुए हैं, वो कहते हैं जी आ जाओ। अभी हम रिवर्स माइग्रेशन की तरफ चले हुए हैं, हम यहीं पे उनको उनकी डिग्री के मुताबिक नौकरी दे दें। किसका मन करता है सात समुद्र पार जाके, छह छह महीने तो वहां आइस मतलब बर्फ में रहते हैं वो, छह छह महीने कोई काम नहीं मिलता। तो आते यहीं, दिवाली दशहरा लोहड़ी मनाने आते यहीं है वो, तो उन्हीं को लेके आएंगे। क्योंकि वो क्योंकि पंजाब के बारे में एक फेमस है बात कि पंजाबी जहां भी जाते हैं कामयाब हो जाते हैं, और पंजाब में कोई भी आता है वो भूखा नहीं मरता। ये गुरुओं की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये पीरों फकीरों की धरती है, बरकत देती है बरकत। तो पंजाब में जितने भी इंडस्ट्रीज अब आ रहे हैं उनसे एक रुपया भी नहीं लिया जा रहा। दो हफ्ते में सारी क्लीयरेंसेस मिल रही हैं और भूमि पूजन करके फटाफट उनकी फैक्ट्रियां बन रही हैं। अगले साल जब चौपाल करोगे, चौपाल का मैं चौपाल से निकला हुआ हूं असल में, पंजाबी में चौपाल को सत बोलते हैं, सत जहां लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो चौपाल से ही निकले हुए हैं। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आप बहुत ऊंचाई पर चले गए, मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं आपको डर नहीं लगता, मैंने कहा किस बात का। कहते अगर नीचे आ गए तो, मैंने कहा जी 40 फुट गहरे ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, इससे नीचे क्या जाएंगे ना। तो हमें ना गहराई से डर लगता है, ना ऊंचाई से डर लगता है, डर लगता है तो उस भगवान से, उस रब से, वाहिगुरु से डर लगता है कि वो हमें समत बख्शे, हमें हमसे ऐसे फैसले ना करवा ले जो जनता के विरुद्ध हो। नहीं तो फिर समन से क्यों डर लगता है? समन आते हैं, ईडी के समन आते हैं, जाते नहीं, क्यों नहीं जाते? क्योंकि ईडी वगैरह के समन आते हैं, आपके नेता जाते नहीं है, क्यों नहीं जाते? वही तो पीयूष गोयल साहब ये बोल के गए ना कि भाई आपसे अगर सवाल जवाब हो रहा है, आप भी तो पहले आप भी तो आरोप लगाते थे ना कि भाई आरोप है, आप जवाब दे दीजिए। ईडी का कोई नोटिस बीजेपी को क्यों नहीं जाता? ये राज्यपाल जो हैं, ये अकेले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, केरला के मुख्यमंत्री को, बंगाल के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? कभी आपने यूपी के या गुजरात के राज्यपाल को लिखते हुए देखा है लेटर किसी अपने मुख्यमंत्री को कि क्या हालत है, आप बजट सेशन नहीं कर सकते, ये सेशन आपका इलीगल था। हमें तो अपना बजट या अपना विधानसभा का सेशन बुलाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है। तो ये ऐसे हालात में चला लेंगे क्या? ये फेडरल स्ट्रक्चर है? नहीं, इसका मतलब आप जवाब देने नहीं जाएंगे? करने देते ना, क्या करें? नहीं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जवाब नहीं देने जाएंगे? क्या अगर समन जाएंगे तो जवाब देने जाएंगे? बुलाक किस हैसियत में रहे हो? गवाह हैं, दोषी हैं, क्या हैं? पते बता तो दो। सीधा ईडी आई, चलो जी उठा के ले गए, 15 इसके खरीद लिए, 10 उसके तोड़ दिए, चलो जी हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, चलो चलो चलो। ये क्या है, ऐसे पास होते लोकसभा राज्यसभा में बिल कैसे पास होते हैं? हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, ना वाले ज्यादा ऊंची बोलते हैं लेकिन स्पीकर साहब कहते हैं नहीं 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 मुझे लगता है हाँ वालों की जीत हुई, चलो 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 चलो। वो डलवा लो वहां, वो कहते रहते हैं सर डिवीजन डिवीजन डिवीजन, नहीं डिवीजन करवाते नहीं, लेकिन पब्लिक में तो यही इमेज जाती है ना कि भाई आप सवाल पूछे जा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप धरना दे रहे हैं। नहीं नहीं, हम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन बता तो दीजिए क्यों बुला रहे हो, कारण क्या है, और उसी दिन क्यों बुला रहे हो जिस दिन कोई फंक्शन होता है। और ये ईडी सिर्फ यानी जवाब देने के लिए तैयार है? आप जवाब देने के लिए तैयार है? हम कोई भागते नहीं है, हम किसी बात से काने नहीं है भाई साहब। दो साल पंजाब में हो गए और 13 से लेके दिल्ली में है। मुझे ये बता दीजिए, अगर हम किसी बात से कोई घोटाला या कोई होता, इस वक्त जो लुटियन जोन है जहाँ राहुल गांधी जी भी रहते हैं, जहाँ सोनिया गांधी जी भी रहते हैं, मोदी जी भी रहते हैं, पीयूष गोयल जी घर भी इनके पास है, इनका एमएलए कौन है पिछली दो टर्म से? कौन है इनका एमएलए? इनके यहाँ पे नई दिल्ली में? हाँ, नई दिल्ली में सब बीजेपी के एमएलए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाँ। यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी का जहाँ ये रहते हैं, नई दिल्ली विधानसभा का एमएलए कौन है? नई दिल्ली विधानसभा का एमएलए आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल है। हाँ। नई दिल्ली विधानसभा। हाँ। से अगर इसका मतलब ये तो नहीं वोट डालते होंगे, लेकिन इनके माली, इनके रसोइये, ये सब वोट डालते होंगे हमें, क्योंकि उनको पता है क्या क्या होता है, घर पे कौन कौन आता है। अच्छा ये बताइए, चलिए आखिर में ये बताइए, आप गवर्नर साहब के सामने आपने छलिया गा दिया था जी? गवर्नर साहब के सामने? पंजाबी है जी, पंजाबी गाने और खाने के शौकीन है। जहाँ पंजाबी अपना जहाँ भी जाता है वो अपना गाना और खाना साथ में लेके जाता है, शेरे पंजाब ढाबे के साथ ही। यहाँ भी गाना लाए आप साथ में? यहाँ भी गाना लाए साथ में? यहाँ तो लाया, लेकिन मैं एक शेर बहुत सुना दूंगा
क्योंकि आपका टाइम है, टाइम का बहुत पाबंद हूँ और मैं स्पीकर से भी ऐसे लड़ता नहीं था। मैंने कहा जी, एक बार मैंने कहा जी 20 सेकंड दे दीजिए, जब ये एना सीसी पर उस पर चल रही थी जो आचार संहिता ला रहे हैं उस पर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, मैंने कहा जी मुझे बोलने दीजिए। कहते नहीं। मैंने कहा सर 20 सेकंड। तो स्पीकर साहब ने कहा 20 सेकंड में क्या बोलोगे? तो 20 सेकंड में मैंने जो बोला था, शायद आधे पौने घंटे के भाषण भी उस 20 सेकंड को मात नहीं कर सकते। मैंने कहा था कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। आज भी मैं कहता हूं, जितने देश भक्त लोग, वतन प्रस्त लोग सुन रहे हैं न्यूज 18 के जरिए, कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपने ही अंदाज में अपने सवालों के जवाब देते हुए भगवान मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चौपाल में आने के लिए। तो हंसते हंसाते गंभीर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए और संवाद को सार्थक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अनुरोध करूंगी एडिटर न्यूज 18 इंडिया एंड हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी से, वो मंच पर आए और भगवंत मान सिंह जी को धन्यवाद दें।